नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपकी अपने प्यारी YouTube चैनल अपनी क्लास में। तो दोस्तों, आज आपको बताएंगी राजस्थान बोर्ड कक्षा पाँचवीं का पर्यावरण अध्ययन का एक ऐसा पेपर जिसके आने का चांस 100% है। दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि यही पेपर आपके एग्ज़ाम में आने का चांस है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन का पेपर है। तो चलते हैं इसके पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं, गुलाब को उगाने के लिए उसकी जड़ को मिट्टी में दबाया जाता है, वैसे ही पत्थर चट्टा को उगाने के लिए पौधे के किस भाग का प्रयोग होगा। तो आपके पास में चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए जड़, बी तना, स पत्ती और द फूल। जल्दी से बताइए कि पत्थर चट्टा को उगाने के लिए पौधे के किस भाग का उपयोग होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, स यानी कि पत्ती। दूसरा प्रश्न है, यदि आपको बाहर पढ़ने जाना पड़े तो आप क्या क्या वस्तुएं लेकर जाएंगे। तो सीधी सी बात है, मैं अपने कपड़े लेकर जाऊंगा और मैं अपने जो किताबें हैं वो लेकर जाऊंगा, और साथ ही साथ अपने जो जूते वगैरह हैं वो लेकर जाऊंगा। तो ये था दूसरा उत्तर। तीसरा प्रश्न है, दिए गए मानचित्र में सीकर के तीन पड़ोसी जिलों का नाम लिखिए। पहला है झुंझुनू, दूसरा है जयपुर और जो तीसरा है वो चूरू। चलते हैं, चौथा प्रश्न है, यहाँ पे झीलों और तालाबों का पानी किन कारणों से दूषित होता है, किन्हीं तीन कारणों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों, हम नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, जानवर वहाँ पे रहते हैं, इसलिए तालाबों और झीलों का पानी गंदा हो जाता है। यहाँ पे पाँचवा प्रश्न है, यहाँ पे खाने के उन तीन वस्तुओं के नाम लिखिए जो संरक्षित ना करने पर 102 दिन खराब हो जाते हैं। तो पहला है यहाँ पर चावल, दूसरा लिख सकते हैं आप यहाँ पे दाल, और तीसरा आप लिख सकते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं अचार। छठा है, जिनके पास खुद का घर नहीं होता वे क्या करते हैं, किन्हीं दो क्रियाकलापों को लिखें। जिनका घर नहीं होता वो क्या करते हैं, फुटपाथ पर रहते हैं और क्या। यहाँ पे सातवां प्रश्न है, कुछ जंतु दिन में उड़ते हैं और कुछ रात में, इनमें से कौन सा जीव रात में भी आसानी से उड़ सकता है, तो वो है चमगादड़, स। आठवां, आजकल खेती में काम आने वाली किन्हीं तीन मशीनों के नाम लिखिए। तो मूंगफली वाली मशीन है और थ्रेसर है, कई प्रकार की मशीनें हैं। नौवां है, ब्रेली लिपि में परमानेंट को निम्नलिखित रूप में किस में लिखा जा सकता है, इसी रूप में मेंद्र को ब्रेल लिपि में लिखना है आपको। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आगे। दोस्तों, यदि आपको राजस्थान बोर्ड मॉडल पेपर डाउनलोड करने हैं तो आप जाइए rkalert.in पर। यहाँ पर आपको rkalert.in पर राजस्थान बोर्ड कक्षा पाँचवीं, आठवीं, दसवीं, बारहवीं के सभी 6 सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो एक बार जरूर विजिट करें rkalert.in पर। दसवां प्रश्न है, निम्नलिखित वस्तुओं को उनके पानी में तैरने वाली व पानी में घुलने वाली वस्तुओं के आधार पर तालिका में भरिए। तो दोस्तों, चीनी है वो घुलती है, पेन है वो क्या करता है, वो भी क्या है, डूब जाता है, वो बुरा है वो भी घुल जाता है, लकड़ी नहीं घुलती है, नमक घुल जाता है, अखबार नहीं घुलती है, फिटकरी घुल जाती है, फूल नहीं घुलता है, सोडा घुल जाता है, प्लास्टिक की बोतल नहीं घुलती है। बारहवां, घर चबूतरों आंगनों में बैठकर खेले जाने वाला खेल कौन सा है, तो वो है दोस्तों यहाँ पर चौपड़। क्या है चौपड़, क्या है, एक प्रकार का गेम है जो कि घर चबूतरों आंगन में बैठकर खेला जाता है। मारदड़ी नहीं खेली जाती, कबड्डी भी नहीं और वॉलीबॉल भी नहीं खेली जाती घर चबूतरों आंगन में बैठकर। डेंगू रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो वो होता है दोस्तों नर एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर, एडीज मच्छर, तीनों द्वारा होता है दोस्तों यहाँ पर। चौथा, स्टूडेंट्स, यदि आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स के किसी भी प्रश्न में प्रॉब्लम आ रही है तो आप जाइए डाउट नट के व्हाट्सएप नंबर 8400400400 पर, वहाँ पर अपने प्रश्न का फोटो भेजिए, तुरंत ही आपको उस प्रश्न का उत्तर हल सहित वीडियो द्वारा मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। पंद्रहवा प्रश्न है, 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था, कहाँ पर आया था आपको बताना है। पंद्रहवा, सिंचाई करते समय पानी का अपव्यय कैसे रोका जा सकता है, हमें मृदा अपरदन को रोकना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे रोका जा सकता है। सोलहवा है, पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, पाचन तंत्र के प्रमुख कौन कौन से अंग हैं। सत्रहवा प्रश्न है, पशुओं को पालने के लिए विभिन्न प्रकार की तैयारी करनी पड़ती है, आपको कोई परिचित पशुपालन की तैयारी में है, इसके संबंध में उस जानकारी प्राप्त करने हैं तो 5 प्रश्नों का निर्माण कीजिए, ये भी आपको कर देना है। आपको 18वां प्रश्न देखना है, दिए गए मानचित्र को बताइए कि आप चंद्रमा क्या करते हैं, कि कौन कौन से त्यौहार पर्व और उत्सव मेला मनाते हैं। तो ये ईद का हो गया, ये होली का हो गया, दीपावली का होगा, ये गुरु नानक जयंती का हो गया, ऐसे आपको बताना है कि कौन कौन से त्यौहार चंद्रमा को दिखा रहे हैं दोस्तों।
19वां है चौराहे पर लाल बत्ती संकेत है, जाने का, रुकने का, बाएं और मुड़ने का, दाएं और मुड़ने का, तो रुकने का यहाँ पे लाल बत्ती का संदेश है। 20वां प्रश्न है मदन मोहन मालवीय जी के कार्य में किन तीन व्यक्तियों ने सहयोग लिखा, उनके नाम लिखिए। आपको उनका नाम लिखना है दोस्तों, आप जब पाठ पढ़ोगे तब आपको पूरा पता लग जाएगा। नशा करके गाड़ी क्यों नहीं चलानी चाहिए, क्यों नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि उससे हमें दुर्घटना का खतरा होता है, हमारी जान जा सकती है। बस विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया, तो महाराणा यहाँ पे प्रताप सिंह ने क्या कराया, विजय स्तंभ का निर्माण कराया दोस्तों, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। 23वां खुला शौच मुक्त गांव से आपका क्या आशय है, खुला शौच मुक्त गांव से हमारा ये आशय है कि हर गांव के हर घर में शौचालय होना जरूरी है, जिससे गंदगी नहीं फैलती है। तो दोस्तों ये हमारा पर्यावरण अध्ययन का कक्षा 5वीं का राजस्थान बोर्ड का पेपर था, जिसके आने की 100% चांस है, इसलिए आपको मैंने बताया। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपके साथ में जो 5वीं में छात्र पढ़ते हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं, आपके दोस्त पढ़ते हैं, उनको जरूर वीडियो शेयर करो। देखो भगवान आपका तभी भला करेगा जब आप दूसरों का भला करोगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों यदि आप पाना चाहते हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं के मॉडल पेपर, तो आप जाइए गूगल पर सर्च कीजिए हमारी वेबसाइट का नाम rjstudymasala.in RBSC क्लास मॉडल पेपर। इतना सर्च करने के बाद में आपको जाना है पहले लिंक पर। जैसे क्लिक करोगे तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी rjstudymasala.in सबसे पहले, और सटीक सी खबर आती है यहाँ पे। आप नीचे जाओगे, आपको पहले लिंक पर क्लिक करना है। पहले लिंक पर क्लिक करते ही आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं 5वीं 10वीं 8वीं की कॉपियाँ और आपको रिजल्ट, एडमिट कार्ड और मॉडल पेपर सारे के सारे मिल जाएंगे। तो एक बार यहाँ पे जरूर विजिट करें।